नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सवसागरम शुद्धात्मानमनेकान्तम साधुमुक्तम मंगलम वंदे सुंदरस्य सिद्ध्यर्थम सुंदरचरित प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद आदिवदेन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम देनम जेतु शासनम नमः समय साराय स्वान भूत्याचिकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरछले ओम नमः परलक्षितजो पहला संबोधन है ये परलक्षितजो परद्रव्य तजो नहीं जीव को परद्रव्य को इष्ट मान करके ग्रहण करता है और परद्रव्य को अनिष्ट मान करके त्यागता है। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि अज्ञानी का ग्रहण त्याग पर में ही होता है, परद्रव्य में होता है। हमने रस छोड़ दिया, हमने रात को छोड़ दिया, हमने बाजार का छोड़ दिया, हमने तो छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ा नहीं, क्रोध छोड़ा, करना छोड़ा नहीं। सोचो, हम ये कह रहे हैं जब तक सोचना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग से काम लो, अभिमान तुम्हारा बहुत खतरनाक होगा। सोचना और तत्व विचार से ही अभिमान मिटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है भाई। पर द्रव्य तजो नहीं लिखा है, पर लक्ष्य तजो लिखा है। कैसी बढ़िया बात है, स्त्री पुत्र कुटुंब का नाम संसार नहीं है, इनके पति ममता का नाम संसार है। मेरा भाई अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन मेरा भाई छूटक लग गया। और बगल में किराएदार क्यों नहीं रहता, वो वहीं उसी को चाबी दे जाते हो, उसी को रोटी खाते हो, लेकिन सूतक नहीं लगेगा। क्यों? भावात्मक जुड़ान नहीं है। भावात्मक जुड़ान बढ़ना चाहिए, भावात्मक सेवा होना चाहिए, भावात्मक विनय होना चाहिए। अरे भाव ही तो तुम्हारे हैं, शरीर की शरीर कौन तुम्हारा है, शरीर की क्रिया कौन तुम्हारी है। वो कार्य करते समय, कार्य के समय में कार्य को नहीं सीखा जाएगा, कार्य के आगे पीछे सोचा जाएगा। तुम तो हमें सिखा दियो डॉक्टर, और पहुंच गए डॉक्टर के पास तो वो झाड़ू लगवाएगा और कुछ नहीं करेगा। सिखाने का तरीका, सीखने का तरीका चाहिए। पढ़ के जाओ वहां और फिर उसका प्रयोग करो, और फिर वहां गलती हो तो पूछो, टोको। जितनी जिज्ञासा आपके अंदर में होगी उतना ही वो सिखाने में सफल होगा। समझने से समझ में आएगा, समझाने से समझ में नहीं आएगा, सिखाने से नहीं सीखेंगे, सीखने से सीखेंगे। तुम सिखाओ हम बोलेंगे ही नहीं, घर से घुमा देंगे, कहीं की कहीं पहुंचा देंगे, तो हम क्या करेंगे। हमने निमित्त क्या करेगा, निमित्त तो निमित्त है। निमित्त अकिंचित कर है, इसका सिद्धान करना चाहिए। ऐसा सिद्धान का फल निमित्त से विरक्ति है, निमित्ताधीन दृष्टि छूटना है, निमित्त का आश्रय छूटना है, निमित्त के भरोसे हम बैठे नहीं। निमित्त वो दोष दे रहे हैं, ये गांव खराब है, ये लोग खराब हैं, व्यवस्था खराब है। अरे तुम्हारा
दिमाग खराब है। क्यों? भले उदय खराब हो तो भी जुड़े कौन वर्तमान में, ये बता। हमारा उदय खराब चल रहा है और हम नहीं जुड़े तो क्या करेंगे? उदय क्या कर लेगा? बिना फल दिए निर्जर हो जाएगा। और जुड़ाना कर होगा तो उदय दिखाई देगा तुम्हें। अब तुम कहोगे हमारा उदय खराब है, ज्यादा से ज्यादा पंडिताई इतनी करोगे, ये नहीं कहोगे हमारा वर्तमान का परिणाम खराब है, हमारा अभिप्राय खोटा है। जिसको ख्याति लाभ की अभिलाषा होती है उसको भाव विशुद्धि नहीं होती। अब नहीं होगी तो मैं भी नहीं होगी। पूजा करो, स्वाध्याय करो, खूब करो, उसका भी फल लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन भाव विशुद्धि नहीं हो पाएगी। अवसर से चलेगा संसार में पर पूर्ण होगा। क्या लिखा? पर लच तजो। पर लच छूटने पर द्रव्य तो छूटे ही आएंगे अपने आप, बिन छुटवाए सभी छूटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होते, पर द्रव्य बिगाड़ सुधार नहीं करते। मतलब हम जो सोचे नहीं पर द्रव्य को दोष देते रहे तो अपने परिणाम बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। पर द्रव्य के भरोसे बैठे रहे तो प्रमादी होंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा। ऐसी दशा है, माता पुत्र का दोष देख रही है, पुत्र माता का दोष देख रही है। सास बहू का देख रही बात, सास घर घर की कहानी है यही सब। अपना पुण्योदय नहीं है और अपेक्षा रख रहे, तुम पोछा नहीं लगा सकते, तुम झाड़ू नहीं लगा सकते, तुम गद्दी नहीं लगा सकते, ये भगवान नहीं लगा सकते भी। नहीं तो लग नहीं जाती। न होते हुए कार्य को कोई कर नहीं सकता। तुम पहले नहीं झाड़ू लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, क्यों? इस प्रकार के विकल्पों का होना भी निश्चित था, नहीं लगा सकते। सही बात है बिल्कुल। कितना स्पष्ट करे तो पहले झाड़ू नहीं लगा सकते, हाँ नहीं लगा सकते, लेकिन तुम कहो हाँ नहीं लगा सकते थे तो तुम्हारा अहंकार है, पाप है। तुम्हें तो यही कहना है गलती हो गई। बुद्धिपूर्वक तो पुरुषार्थ ही करना है, और पुरुषार्थ पहले भावात्मक पुरुषार्थ करो, मन में स्वीकार तो करो अभिप्राय। पहले भावात्मक पुरुषार्थ करो, ये काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम कह के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। उस दिन कोई होगी वो कह के नहीं आता, हमने कहा 100 आदमी कह के नहीं आते, हम क्या कर दें? चुपचाप चल देंगे, काम हो जाएगा, कहेंगे नहीं। हमने इन्हें बुलाया अभी, हमने कहा वो कल इनको बुलाया था शाम को, हमने ये सिंहासन थोड़ी साफ कर दिया, गंदा लगता है, तो सिंहासन साफ हो गया, बोली साफ हो गया, हमने कहा निकाल दिया कि नहीं निकाला, वो साफ ही हो गया। अब बताओ क्या कहका ही नहीं, कह दीदी सिंहासन साफ हो गया, खत्म हो गई बात, न तुम्हें विकल्प न हमें विकल्प। लेकिन ये आदत नहीं है कि कार्य न हो पाए तो हो नहीं पाया, आज हो जाएगा या कि हो गया, ये कहने की आदत नहीं है।
पर लक्ष्य तजो, पर की मर्यादा का भी ध्यान रखो। धीरे जब हम नहीं सुनेंगे तो सामने वाला जोर से बोलेगा कि नहीं बोलेगा, धीरे सुन लो। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, धीरे सुनने की आदत डालो। कोई धीरे कहे तो तुम ये मत सोचो हंसी में कह रहो, ऐसे कहने दो। जब जोर से कहें तब देखेंगे। सरकार की तरह व्यवस्था मत बनाओ तुम अपनी, नहीं तो सरकार चली आएगी। जब आंदोलन में तोड़ फोड़ होने लगे तब तुम सो भाई बैठो, मीटिंग कर लो, बैठ जाओ, बातचीत आपस में जारी करो तब। अरे एप्लीकेशन पहुंची और तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, वहीं से प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। हमारे यहाँ ये तकलीफ है, अच्छा कोई बात नहीं, उसको बुलाया अधिकारी, क्यों भाई क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ हुई, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है। अब जब एक आध मीटर फीटर टूट गया, एक आध वो टूट गई, बस बस जल गई और चक्का जाम हो गए, तब हाँ भैया कहो भैया, ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है। प्रतीक्षा मत करना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कर्म किसी का लिहाज नहीं करता। ये बड़े आदमी हैं छोटे आदमी हैं, ये रोगी हैं कि निरोगी हैं, नहीं, कर्म लिहाज नहीं करता। कर्म बंधेगा, कर्म उदय में आएगा, समझ लेना। पर लक्ष्य तजो, पर लक्ष्य तजो से पहले पर समझो। पर क्या है, जो आत्मा को छोड़ करके बाद बाकी बच गया वो सब पर है। हम निगेटिव अपना चिंतन करते हैं, ये राग मिटाना है, अरे मिटाना है वो तो अपने आप मिटना है, वो तो मिट ही आएगा और मिट ही रहा है प्रति समय समय में। जिसका उत्पाद होता है दूसरे क्षण में उसका व्यय होता ही है, स्वयं होता है। राग तुम का मिटाओगे मिट ही आएगा। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इन वृद्ध आदमियों को मार डालो। अरे मुझे तो मर ही जाएंगे, मार क्या डालोगे, नए जन्म को कैसे रोका जाए, इस बात को सोचो। हर साल कम होते जाएंगे वो तो पुराने पुराने, और तुम पुराने होते आओगे ये सोचो, पुराने कभी कम नहीं होंगे। चिंता का काम मत करो, पर लक्ष्य तजो, मतलब पर से द्वेष भी मत करो, राग भी मत करो, मोह तो करने की बात ही नहीं है। पर लक्ष्य तजो, पर लक्ष्य करके, पर से संबंध जुड़ा हुआ मान करके ये जीव मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। पलक की भाव है ये, पर रचता जो पर का पढ़ने मन उसके आदि ने। अगर तुम्हारी सविकल्प दशा हो, तुम्हारा राग उस प्रकार का हो नहीं माने तो शांति से कह दो, देखो भाई बाद बाकी उसका समय पर पढ़ने मन होगा। नहीं माने तो खेद मत करो, माने तो अभिमान मत करो। ये तुम्हें समता भाव इससे तो पर्याय में समता भाव इष्ट है, वितरागता इष्ट है, उदासीनता इष्ट है, तो उदासीनता पर लक्ष्य से नहीं आएगी कभी। स्वलक्ष्य से होने वाला निर्मल परिणमन है, पर संबंध से रहित, पर संबंध से रहित। और तुम संबंध जोड़ोगे पर से, हमारा शरीर खराब है, शरीर ही तो खराब है, आत्मा थोड़ी खराब है, हो गया काम खत्म,
और फिर शरीर इतना भी न चले तो क्या शरीर हमारे अधीन है? शरीर अपना प्रणमन कर रहा है, और ये शरीर अपना प्रणमन करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी समता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या करें, तुमने ये काम बिगाड़ दिया। अरे भैया, क्या तुमने तो हमारे अनेकों काम बनाए हैं, हमारा तीव्र हृदय है तो हमारा काम बिगड़ा है। ये लिखा श्रावकाचार्य, माने श्रावकाचार्य का पालन तो कर पाओगे तुम जब ये चिंतन करोगे। तब तुम्हारे जीवन में अहिंसा आ पाएगी, सत्य आ पाएगा, आचौर्य आ पाएगा। तुमने तो हमारे अनेक काम बनाए हैं, आज हमारे कर्म के उदय से कहीं काम बिगड़ गया, नुकसान हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम अपना काम करो जा। नहीं, मालिक नाराज होंगे। मालिक ने सोच लिया, करे कोई बात नहीं, ये पंडित था अलग प्रकार का नुकसान होगा, लेकिन कितनी बेईमानी है। हमने एक दृष्टांत दिया था, अगर ये हाथ हमारा लग गया तो गिर गया कहेंगे, और तुमने गिरा दिया कहेंगे। जो परिणमन अनुकूल होता है उसका कर्ता मानता है, जो प्रतिकूल होता है उसका कर्ता नहीं मानेगा। भगवान की मर्जी ऐसी थी, भवितव्य ऐसा ही था, उदय ऐसा ही था, व्यवस्था ऐसी है, और नहीं तो हमने कमाया, हमने बनाया, हम चला रहे व्यवस्था को, तो इन्हें क्यों नहीं बना रहे? कि मानते ही नहीं। अरे ये नहीं मानते, इसका मतलब ये मानते तो इनका भला हो रहा, तुम कहा था तो पर लक्ष्य तजो, विश्व में स्व और पर अनादि अनंत हैं। अनंत एक स्व बाद बाकी सब पर। पर माने क्या अर्थ होता है? जो स्व न हो उसे पर कहते हैं, समझ में आया? पराया घर, अपना घर नहीं हो उसे पराया घर कहते हैं। अपना धन, पर धन, पर धन माने जो अपना धन नहीं हो उसे पर धन कहते हैं। परमार्थ भी देखो और व्यवहार भी देखो यहां। पर लक्ष्य तजो, कोई दूसरी व्यवस्था कर दे ये मत सोचो अपन व्यवस्था करने लगो। एक भाई बोला, इस गांव में तो सब ऐसे ही हैं, कोई काबू नहीं पूछत। हमने कहा तुम पूछने लगो, तुम पूछने लगोगे तो हम ये नहीं कह पाएंगे, कोई ये नहीं कह पाएगा कि कोई नहीं पूछता। अरे श्रावक का कर्तव्य है कि पात्र दान पूर्वक भोजन करता है, रोज का निमंत्रण कर दो, काम खत्म हो गया। कोई कह दे तो सहज बात मान लो, नहीं कह दे तो कोई बात नहीं। और पहले ऐसा ही होता था, मंदिरों में व्यवस्था नहीं होती थी, घरों में व्यवस्था होती थी, रुकने तक की। और बड़े सेठों की धर्मशाला बंगला अलग अलग बने होते थे, उनकी व्यवस्था बनी होती है, तो चलो और वहां ठहरा दिया। कोई ने कहा हमारे घर चलते तो मंदिर चले, कोई बात नहीं, कल हमारे घर भोजन कर लियो तो हमारे घर कर लियो, उनका बात है, खत्म हो गई। और नहीं तो हमारे यहाँ तो है ही, यह नहीं है तुम्हारे यहाँ भोजन कर लेना उस भरोसे से, हमारे यहाँ भोजन नहीं है। पर लक्ष्य तजो, हाँ पर की आशा दुनिया में कितनी कर बैठी है, ये करें तो हम करें, ये इनसे क्यों नहीं कहती? अरे इनसे नहीं कह रहे हमें, तुम क्या जानो क्यों नहीं कहते? ये इसलिए नहीं कहते, ये बीमार है,
इसलिए नहीं कहते इन पे उठा नहीं जाता, इसलिए नहीं कहते कि ये मानती नहीं ढीठ है, वो भी मानसिक बीमारी है। इस बात को सोचने वाले तुम क्यों हो? तुमसे कही है तुम करो, मुझे अब जितना कौर होता ही कौर कहती है। अरे कहें दे नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी भ्रांति है। तुम अधिकारी तो नहीं हो, इनसे क्यों कह नहीं कहते? समझ करके नहीं कह रहे भाई, ये तबीयत खराब है इनकी इसलिए नहीं कह रहे। एक भैंस खड़ी हो और एक बच्चा खड़ा हो, उसे कहेंगे बच्चा बेटा पान लिया, ये से भैंसे क्यों नहीं कहते? ये कोई बात रही? क्यों नहीं कहते बता? वो भैंस लाने में समर्थ नहीं है, वो मानेगा है नहीं, कदम मामला। चक्रवर्ती और पुत्रों का संवाद तुमने पढ़ा होगा बारह मासा, वज्रंत चक्रवर्ती का बारह मासा। अंत में चक्रवर्ती ने क्या सोचा? अरे मैं कछ कहूं पुत्र कहें और, अब कहने की ना ही ठोर, अब कहने की ना ही ठोर, मैं कहूं कछु और पुत्र कहें और। पुत्र कह रहे जो तुम्हारी समझ सोई हमारी समझ, हम कह रहे राजीगरण करो। अंत में चक्रवर्ती ने कहा बेटा एक काम करो, जगत की रीति जो होती है तो चलो हमसे राज ले लो और तुम जहाँ का उठे हमें कोई मतलब नहीं। तो एक छह महीने का नाती था, हम कहते छह महीने के नाती पर बालक पर घर नहीं छोड़ेगा कोई अपना, और उन्हें छह खंड का राज छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? अब वो चिंता में पड़े मंत्री लोग, छह महीने का नाती है, राज्य कैसे चलेगा? राज्य जैसे पहले चलता था वैसे ही अब चलेगा। अनाज निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमाने से परिणत। पर लक्ष्य तजो, लोक व्यवहार का भी इसमें बहुत बड़ा उपदेश है। एक शब्द में कोई दूसरा कर जा है, दूसरा दे जा है, कोई दूसरों तो करने ही आए, करने तो अपन को ही पड़े। कोई दूसरा तो दे नहीं आएगा, उतना ही पसारो, उतना ही पसारो जिसको समेट सको, उतनी दूर जाओ जहां से लौट सको, लौटते में थक न जाओ। तुम्हें तो लौटने है, लौटना भी तो है। तुम चार किलोमीटर जा सकते हो, शक्ति है तुम्हारी, तो दो किलोमीटर जाना है, दो किलोमीटर आना भी तो है। चले चलो, अब कौन थक गए? अरे थक गए नहीं, थक गए, लौटना भी तो है भैया। पर लक्ष्य तो मने पराई आशा को छोड़ो, लोक व्यवहार में भी किसी दूसरे की आशा मत करो। दूसरा सुनाए ये आशा मत करो, पढ़ने बैठ जाओ। जब तुमको अच्छी तरह पढ़ते बैठते आएंगे तो अपने आप उसका नाचा नारी को पाँव नहीं ले हो, निमित्त अपने आप मिल जाएगा। अरे क्यों भैया, कुछ पूछने तो नहीं है? अपने आप पूछने लगेगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लियो, माने स्वयं पढ़ने तो बैठ जाओ अनुशासित होकर के। तो कोई है ही नहीं, कोई आओ ही नहीं, कोई आओ नहीं। अधिकांश जब तुम्हारे कार्यक्रम होते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती, महिलाएं बच्चों को कहती भेजती है जाओ देखे ये कोई आए हो कि नहीं आए हो। वो कहता है कोई नहीं आओ, और उस चक्कर में आधा घंटे देख के घंटे हो जाता। अरे दिखवा रहा क्या है, टाइम हो गया पहुंचो टाइम से। पर लक्ष्य तजो, इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप क्या होगा? इनका बहिष्कार करो,
अरे इनका बहिष्कार करने का रूप क्या होगा? तुम बहिष्कृत हो जाओगे और कुछ नहीं हुआ। तुम हटो, तुम बेकार हो, तुम बहुत बेकार आदमी, तुम हम बेकार, तुम भी बेकार, हट जा। अब रह गए कि बड़बड़ा रहे और क्या होगा? पहले ही इस बात को ध्यान रखो कि सारा संसार असार है, ये नहीं है, ये खराब है। हर लक्ष्य तजो, कितना हम लक्ष्य करते हैं दूसरों का, पर लक्ष्य तजो। पर द्रव्यता जो का अभिमान तो कर रहे हैं, हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया, पर और लक्ष्य बराबर हुई है। पर द्रव्य में ग्रहण त्याग की तुम्हारी विपरीत मान्यता है, ये बैरात्मपना है। पर लक्ष्य तजो, ज्ञानी का ग्रहण त्याग पर भावों में होता है, भीतर ग्रहण त्याग करता है वो अंतरात्मा, और निष्ठुर आत्मा को, निष्पन्न योगी को, निर्विकल्प ध्यानी को ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं होता। आपने एक बात पढ़ी होगी, आत्मा ग्रहण त्याग से शून्यत्व है, शून्य शक्ति, ग्रहण त्याग, त्याग ग्रहण शून्य शक्ति। इसलिए आत्मा की आश्रय से सुखी होने के विकल्प का त्याग हो जाता है और सुखी हो जाता है, दुख का भी त्याग हो जाता है, दुखी हो जाता है, ये मतलब है ना? तुम्हें अपने घर जाना है, पहले यहाँ से आने का विकल्प हुआ, घर चलाओ तो ठीक है। अब यहाँ भी ये स्थान भी छूट जाएगा और इस स्थान का विकल्प भी छूट जाएगा, अपने घर जाने का विकल्प छूट जाएगा, लेकिन घर थोड़ी छूट जाएगा, घर तो मिल जाएगा। यहाँ से घर जाने का विकल्प हुआ है, अब घर जाने का जब विकल्प हुआ तो चलो भाई कैसे चलेंगे, कल जाना है, वो रिजर्वेशन हो गया, हो गया, यहाँ से ग्वालियर होके जाएंगे, यहाँ से इटावा होके जाएंगे, उस ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, वो सब पूरी व्यवस्था जुटा ली अपने, अब यहाँ से जाने का विकल्प छूट गया और यहाँ भी स्थान भी छूट गया। घर पहुंचने का विकल्प छूटा है, घर पहुंचने का स्थान नहीं छूटा, घर तो पहुंचे और गए। ऐसे ही सुखी होने का विकल्प छूट जाता है, सुख नहीं छूटता, दुखी होने का विकल्प छूटता है और दुख भी छूटता है। क्यों? दुख अज्ञान जनित था, अज्ञान छूटने पर दुख छूटेगा ही, वो तो पर लक्ष्य छूटने पर द्रव्य छूटता ही है, उसी अनुपात में, सर्वथा नहीं, लेकिन पर द्रव्य छूटने पर लक्ष्य छूटे और नहीं भी छूटे। पर लक्ष्य छूटने पर द्रव्य छूटता ही है, अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर बहिरंग परिग्रह का त्याग होगा ही। तुम्हारे ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग हो गया तो ग्रहित मिथ्यात्व का जो आयतन है वो छूट जाएगा, तुम्हारा अवच्य वचन करने का परिणाम छूट गया, करोड़ परिणाम छूट गई, तो अवच्य वचन जो होता था वो छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। पैसा कमाने का लक्ष्य छूट जाएगा तो व्यापार तो छूट ही आएगा, का करने करने का है, कौन के लिए करने, कौन के लिए लगे रहे। जहाज का पक्षी
जहाज पर स्थिर होकर के बैठ जाता है, जब उसको क्या दिखता है कि चारों ओर पानी ही पानी है, कहीं शरण नहीं है, कहीं बैठने की गुंजाइश नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई स्थल नहीं, कोई जमीन नहीं, कहाँ बैठे, पानी पानी है। या तो पानी में डूब मरा और नहीं तो फिर चुपचाप बैठे। आत्मान भव होने पर चंचल मन भी एकाग्र होता ही है, मर जाता है। वसु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, वसु का विचार करोगे तो तुम्हें विश्राम मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा चित्त कितना ही खोला हो क्रोध में और तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा अगर तुम वसु का विचार करोगे। वसु का विचार माने पर द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन, स्वद्रव्य का स्वतंत्र परिणमन, पर से भिन्न। अरे भैया नहीं माने तो नहीं माने, हम क्या करें, वो हमारा तो है नहीं जो माने। और पर द्रव्य मेरा हित अहित पर द्रव्य के मानने न मानने से नहीं है, मेरा हित अहित मेरे मानने न मानने से है। अगर मैं अपने स्वयं नहीं मानूंगा तो मेरा हित होगा, नहीं माने तो ये नहीं माने इनसे क्या होगा, कोई नहीं माने एक मान ले तो एक का हित हो जाएगा। और जो बदमाशी नहीं माने, न मानने वालों का बहुमत है तो बहुमत बना रहे। देश में एक संविधान होता है, हैं? वो संविधान को तुम नहीं मानो तो तुम जेल में पड़ोगे और क्या होगा। अब ये मानेंगे तो जिनका भला होगा। जो संविधान का कानून का पालन करेगा उसका लाभ उसको मिलेगा, वो स्वतंत्र रहेगा, निर्भय रहेगा। और जो नहीं पालन करेगा वो भयभीत रहेगा और चार गति जेल में पड़ेगा। विश्व में अकृत्रिम संविधान है, विश्व में 6 द्रव्य हैं, तुम सोचो हम ही हम रहेंगे, सब हमारा ही होगा। एक सेठ था तो रिटेल की भी दुकान उसने खोली, थोक की दुकान तो थी, तो और लोग पहुंचे, चाचा जब रिटेल तुम ही बेचे हो तो हम लोग का बेचेंगे, तुम्हें से लेके हम थोक में लेंगे और रिटेल में बेचेंगे तो, और तुम रिटेल में बेचोगे तो हम क्या करेंगे। बात तो सही है। अरे नहीं मानने वाले जीव सोचो अगर नहीं हो गए हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो संसार में कौन रहेगा। नहीं मानने वाले ही तो संसार में रह रहे हैं। रात को चर्चा की थी, कच्चा पागल है तो और का समझदार है। जो अपने हित का की कुर्बानी कर रहे हैं और लगे हैं उलझनों में, भाई पागल नहीं तो कू है। तुम कह रहे सबका पागल है, अभी तुमने सब देखा है, सब में तो सिद्ध भगवान भी हैं, सब में तो अरहंत भगवान भी हैं, सब में तो पंच परमेश्वरी भी हैं, सब में तो ज्ञानी भी हैं, तुम उनका अनुकरण क्यों नहीं कर रहे। तुमने इतने लोगों को देख लिया, वे सवैया सो कर रहे। एक समूह थोड़ा तुमने अपनी पक्ष पक्ष का देख ली, सवैया ऐसा करते। सीता की शिकायत इसी आधार पर करने आए थे लोग कि प्रजा में अनाचार फैल रहा है, क्यों सब अपनी मनमानी करते हैं और सीता का दृष्टान देते हैं कि राम ने भी तो ऐसा किया, सीता हम क्या करें। अरे सीता स्वेच्छा से थोड़ी गई थी और सीता राम को जाकर के भूल थोड़ी गई थी,
सीता ने मनमानी थोड़ी करी थी वहां, अनन्य चेता, एक राम के प्रति अनन्य था। अंत में रावण भी मान गया इस बात को, मैंने सती को व्यर्थ ही कष्ट दिया, इसका चित्त तो राम में अनुरक्त है, अरे ये तो आत्मार की जीव है। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक अदालत में सेठ जी पहुंचे और वकील तो संग में था ही, तो बहस शुरू हुई। उसने पूछा से जज ने, सेठ जी कितनी बड़ी दुकान है? साहब इतनी बड़ी दुकान है और पीछे एक 20x20 का हॉल है। अब वकील साहब समझा रहे था, ये हॉल का को बता दिया, हम क्या करें? फिर पूछा सेठ जी कितनी दुकानदारी हो जाती है? हिसाब इतनी दुकानदारी हो जाती है और कभी कभी इतनी हो जाती है। अब एक भगी साहब उनका जिगार को बता दी। जज साहब कल देख रहे सेठ की और वकील की, तो बोले भैया वकील साहब वो सच्चा आदमी है, तुम उसको बेगा मत, वो सच्चा आदमी है, बेगा मत उसको, और जैसा सेठ जी ने कहा उसी के अनुसार टैक्स तय कर दिया कंपनी। का मतलब बेकाव मत ही तुम, इनको क्या हो, हम तो तुम्हारे भले के ज्यादा राग मत करो, दूसरों के भले की चिंता मत करो, पहले अपना भला कर लो। तुम्हें भले मार्ग में लगे हुए देख करके जो लगने की योग्यता वाले होंगे वो स्वयं लग जाएंगे। गांधी जी पहुंचे सभा भवन में, सभा भवन की बंद था, गांधी जी स्टेशन से पहुंच जाती थी पहले, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में ये हो गया तो क्या करेंगे, उतना टाइम लेकर के जाते थे जितने पैदल पहुंच जाए, गाड़ी से जाना हो तो अभी भाई बाद बाकी यहां बैठे थे वहां बैठेंगे, तो पहुंच गए सभा भवन बंद था। उन्होंने कहा भैया एक आदमी खड़ा था, एक काम करो तुम वहां चले जाओ, उसे चाबी तो लिया, उसे चाबी लिया, अब बड़बड़ाए नहीं बिल्कुल, चाबी आ गई, ताला खोला और उन्होंने झाड़ू उठाई और लगाना शुरू कर दिया। अब दो आए, अरे अबे झाड़ू नहीं लगी, अबे तक झाड़ू नहीं लगी, बेबी एक एक झाड़ू उठा करके लगाते गए, 10 मिनट में झाड़ू लग गई, फर्श बिछ गए, सब तैयारी हो गई, सब हो गया। बात ये थी कि वो कर्मचारी बीमार हो गया था, अब नाराज होने का बात है, तुमने खबर नहीं ली, अरे खबर मिली नहीं हम क्या करें, समस्या को सुलझाने की कोशिश करो, समस्या को उलझाने की कोशिश मत करो। शिकायत करने वाला जीव सबसे ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। वो लड़का यही बोला, अम्मा तुम तो सामान निकाल के धरो, भैया लोग आते होंगे, पिताजी आते होंगे, रोटी नहीं बनेगी तो खाएंगे कहाँ सब लोग, सामान निकाल के धरो, हम बना दी कोशिश करेंगे, तुम बता जाइयो कितना नमक पड़ेगा, कितनी मिर्ची पड़ेगी, कितनी दाल, कितना आटा, कितना पानी, तुम बता जाइयो ने बैठे बैठे बस। बात ये है अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी, अरे रोटी जल्दी कैसे बने, इस बात को सोचो, बिल्कुल घबराओ मत, हटपटाओ मत, हड़बड़ाओ कतई नहीं, काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा। ये लौकिक शिक्षा है तुम्हारी, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में उतावलीपना काम नहीं देता, न प्रमाद हो न आकुलता हो, ऐसा आचरण श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। पररच्छ तजो, पररच्छ से प्रमाद होता है, स्वरच्छ से पुरुषार्थ होता है। क्रम से बोलो, अक्रम बोल गए बीच में हम, पररच्छ से मोह होता है, स्वरच्छ से मोह टूटता है।
पर लक्ष्य से होने वाला मोह स्वलक्ष्य से छूटेगा और नहीं तो यही मोह हो जाएगा तुम अगर अपना लक्ष्य नहीं करोगे तो। तुम अपना घर छोड़ करके आए, अपना व्यापार छोड़ करके आए और यहां मोह हो जाएगा। यहां काय के लिए आए ये भूल जाना, और काय के लिए आए हो ये अगर तुम्हारे ज्ञान में रहेगा तो मोह नहीं होगा। पर लक्ष्य तजने का मतलब मुख्य रूप से क्या लेना चाहिए? एक तो पर के प्रति दोषारोपण की आदत जो हमारी पड़ी है, पर का दोष देखने की, राजचंद जी ने वैसे ही नहीं लिख दिया, मानना होता तो यही मोक्ष होता, वैसे ही नहीं लिख दिया। हम देखते हैं कहाँ चुप रह जाता है, कहाँ बोलने लगता है, दूसरी बात छोड़ दे और उस बात पर मोह जाएगा जिसका समाधान करना है। डेढ़ मिनट में कह दो भैया, क्यों भाई तुम ऐसे चले आते हो, ठीक है? ठीक तो नहीं है भाई, हम कह करके जाया करेंगे, बस खत्म हो गई बात। अब अपने कहीं कल हम कह गए थे, परों कह गए थे, अंदरों कह गए, जात का मतलब मैंने कितना कम बोलना है और कितना ज्यादा बोलती है, कितना कम सोचना है कितना ज्यादा सोचती है, कितना कम करना काम है कितना कम करना है और कितना ज्यादा करती रहती है कर्तृत्व के अहंकार में। अभिमान सुनने नहीं देता का कहीं बोलते हैं, अपनी बोलते हैं, अपनी कहते हैं, सुनते नहीं है। तो अभिमान का ये स्वरूप है, अगर तुम्हारी कोई नहीं सुने तो समझ लेना चाहिए ये अभिमान का स्वरूप है और स्वरूप अन्यथा नहीं होता, स्वरूप अन्यथा नहीं होता। तुम उसको नहीं समझा पाओगे। एक तो दोषारोपण की आदत छोड़ देना चाहिए, दोषारोपण वचन से होगा, दोष देखने की आदत छोड़ देना, वो तो प्रभाव है और वो परद्रव्य है। दोष देखने की आदत छोड़ देना चाहिए, और एक पर द्रव्य के भरोसे रहने की आदत छोड़ देना चाहिए। हम इनके भरोसे बैठे जी आ जाए तो चल दिए, तो आ जाएंगे चल दिए, तब तक अपना पढ़ने लगो, प्रतीक्षा कभी मत करो, आ जाए चल दियो, किताब बंद कर दियो चल दियो अपने, और नहीं तो विकल्प आए बिना रहेंगे, नहीं अभी तक नहीं आओ, अभी तक नहीं आओ, अभी तक नहीं, एक मिनट रहो, आधा मिनट रहो, कितनी बढ़िया पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है शोक देश में, बोलो बताओ क्या लिखा है। हाँ मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, भाई तीन मित्र थे और तीसरा मित्र बोला हम जरा मंदिर हुआ है तुमने अभ्यास आ गई, अब दो को प्रतीक्षा करनी है, और एक मंदिर में घुस गया है। अब एक तो छाया में बैठ गया, जब आएगा तो चल देंगे, और एक धूप में खड़ा है और बड़बड़ा रहा है और संकलित कर रहा है अभी तक नहीं आया। अब बताओ अगर तुम्हें प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो छाया में बैठ करके करना, पंच परमेश्वर की छत्र छाया में रहना। भाई मोक्ष मार्ग नहीं हो, पूरा नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग शुरू तो होगा।
हम कहेंगे श्रद्धा तो करो, तुम कहोगे शक्ति नहीं है। अरे भगवान, श्रद्धा करने में कौन सी शक्ति चाहिए? ये काफी हमारी है, ये मानवीय की शक्ति है, और ये काफी हमारी नहीं है, ये मानवीय की शक्ति नहीं है। अरे शक्ति तो आचरण के लिए है भैया, और तो मुख्य रूप से बाह्य तपों के लिए। बाहर की शक्ति बाह्य तपों के लिए, अंतर की शक्ति अंतर के तप के लिए। शक्ति नहीं है, अरे श्रद्धा करो। अब तुम श्रद्धा करोगे नहीं, हो सकती नहीं है, शक्ति नहीं है, अपने कहते हो सुनोगे ही नहीं। शक्ति नहीं है तो हम कौन कह रहे हैं ये उठा के डाल दो, हम ये कह रहे हैं ये उठा ले जाओ, हम ये कह रहे हैं ये उठा ले जाओ, हम ये कहाँ कह रहे तुम तो पूरी पहाड़ उठा लो। आचार्य भगवंतों ने हमारी शक्ति देख करके ही हमें उपदेश दिया है। पंचम काल के हीन संगन वाले जीव होंगे, हीन परिणामों वाले जीव होंगे, उन्होंने कहाँ उपदेश दिया एकल व्यारी का। जिन कल्पी मुनराज जैसा उपदेश, एकल व्यारी होने का उपदेश इस काल में कहाँ दिया? आतापन योग वगैरह का उपदेश इस काल में कहाँ दिया? वे भी जानते थे तुम्हारी संगन हीन होंगे, तुम इतनी सहन नहीं कर पाओगे। कितनी तुम पे सहन होगी ये वे नहीं जानते थे। तुम्हारी गुरु के प्रति अश्रद्धा क्यों है? हमने एक दृष्टांत दिया था। एक वैद्य के पास पहुंचा एक रोगी, और वो रोगी ऐसा था जिसको पानी नहीं पच रहा था, उल्टी हो रही थी। उस वैद्य ने घर से एक गोली निकाली, गोली निकल कर जा। बोले साहब क्या कह रहे हो, पानी तो पच नहीं रहा, जो गोली पच जाएगी। अब जो बता वैद्य तुम हो क्या? हमें गोली पचाओगे तो पानी भी पचेगा और गोली भी पच जाएगी, और गोली नहीं पचेगी तो पानी कैसे पचेगा? तुम कह रहे पानी पचे पहले, फिर मूंग की दाल को पानी पचे, फिर दूध पचे, फिर गोली पचेगी। हम कह रहे पहले गोली खाओ। तो वैद्य तुम हो कि हम हैं? अरे पचाने की अभी बात कहाँ है, गोली चूसने की बात है। गोली चूसो, तुम्हें मालूम है पानी नहीं पचता है तो बर्फ चूसने को दे देते हैं, कहे नेक नेक जाएगा, अब वो पचता जाएगा, उसे बोतल चला देते आज कल एलोपैथिक में। क्यों? कि वो एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद जाएगा और मिलता चला जाएगा उसमें। हमने उसकी प्रक्रिया करी, हमने जा पानी नहीं पच रहा, हमने एक काम करो चम्मच डालो इसकी मुंह बस। अब चम्मच ने किया उसमें आ गई उतना, उतना उतना डालोगे तो अपने आप पचे, और फिर दूसरा बहुत। अब तुम एक गिलास इकट्ठो पिवा दे तो एक लोटा इकट्ठो, अब उल्टी तो होगी। श्रद्धा करो, जब ये बात कह रहे हैं तो तुम आचरण की बात लगा देते हो। जब हम कहेंगे व्यवहार सुधारो तो परमार्थ की बात लगा देंगे। परमार्थ को अपने परमार्थ को समझो तो तुम व्यवहार की बात लगा देंगे। हम तो गृहस्थ आदमी है, हे भगवान अब क्या करें, पाँव ही नहीं धर, सुई की नोक धरने नहीं देती, पर ये मानी का स्वरूप होता है। उज्जात चलो जाए वो, तुमने देखी मीटिंग के मन कथा का यही स्वरूप है, वो जा चलो जाओ, एक बात कहो दूसरी बात कहेगा, दूसरी कहो तीसरी कहेगा, तीसरी कहो चौथी कहेगा। सुलझाने का रास्ता ही नहीं है, सुलझना ही नहीं हमें। फिलहाल आगम दिखाई देने लगे। अरे जो अपने को नहीं देख पाएगा वो आगम को कैसे देख पाएगा भैया?
अगम माने क्या होता है अपनी भाषा में बोलो, अगम अपनी भाषा में बोलना, जो अपने हित का निमित्त हो। अगम माने जो अपने हित का निमित्त हो, जो अपने को विपरीत मार्ग से बचा करके सम्यक मार्ग पर लगा है, वो जिनागम है। अपनी सापेक्ष परिभाषा आगम की है ये। अपने को जानने वालों के द्वारा लिखा गया है, अपने हित के लिए लिखा गया है। शास्त्र रचना करते समय भी आचार्य भगवान को अपना ही लक्ष्य था, पर लक्ष्य गौण था, पर लक्ष्य नहीं था ये नहीं कह रहे हम, लेकिन पर लक्ष्य गौण था। और शास्त्र लिखने के बाद भी वो शास्त्र सबने तो नहीं पढ़े, जिनका हित होना था वो पढ़ते गए समझते गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने अपने राग से कही है, तुम मान लो ये तुम्हारा प्रसाद है, तुम्हारी विनय है, तुम्हारी काललब्धि है, तुम नहीं मानो तो तुम्हारी काललब्धि नहीं, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारा विनय नहीं, काम खत्म हो गए। हम क्यों आक्रोशित हो गए? हमने अपने राग से कहा, सब जीवों को मुक्त मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया, उसका अर्थ बताया था हमने। सामने वाला मान ले वे ये अपेक्षा रख करके मत कहो, तुम कहोगे सामने वाला तो मानेगा जो उसका उस प्रकार का पर्ण मन होगा, नहीं तो नहीं मान पाएगा। मानता नहीं है कि मान सकता नहीं है, और हम ये करे उस सामने वाले की आवश्यकता नहीं देख रहे, हम अंदेश कह रहे हैं वहां चलाया, वो जा सकता नहीं है कि जाता नहीं है, हमारा सोच ही गलत है। पर लक्ष्य माने न तो पराई आस करना, न पराया विश्वास करना, और न पराये भरोसे बैठे रहना। कोई कितना ही भरोसे में बैठा है, और ट्रांसफर पर को कभी नहीं करना। ट्रांसफर करने की जरूरत भी हो तो अपना स्वयं तो ध्यान कर रखना, ट्रांसफर की भी एक व्यवस्था है प्रशासन में। हमने मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा, कलेक्टर ने फिर डिप्टी कलेक्टर से कहा, उसने पटवारी जी कहा, पटवारी गांव में आया। एक सिस्टम है, लेकिन हमने उससे कहा तो हम ही उससे कह दे पहले। अच्छी सिस्टम ये है, हमें ही पटवारी पहले कह देना चाहिए। पटवारी बोला आकर के, काय सेठ जी आप हमें से कह दे, वहां तक काय गए मुख्यमंत्री तक, आप तो हमसे ही कह देते, ये काम होने हो जाए वो परसों होकर आ जाएगा, काम खत्म। जब मुख्यमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेगा, अब हम प्रधानमंत्री से गए। कई बार हम ऐसा ही सोचते रहते हैं, या तो निमित्त को दोष देते हैं, या निमित्त का आश्रय करते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं, या फिर निमित्त का भरोसा रखते हैं, वही कर देंगे। कई बार हमारी बोलने की एक भाषा होती है, आप चाहो तो अभ्यास कर सको, आप चाहो तो अभ्यास कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और कैसी परिस्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है, आप चाहो तो कर सको, नहीं बिल्कुल नहीं। और बड़े लोगों से लोग ऐसा ही कह देते हैं, आप चाहो तो कर दियो, आप चाहो तो नहीं करो भैया, हम क्या करें, आप चाहो तो कर दे, नहीं
अरे और तो और बड़े लोगों की बात तो क्या है, भगवान के प्रति ऐसा बोलते, भगवान की जो मर्जी होगी, हमने की उनकी मर्जी कबू नहीं होगी। जिनकी जो मर्जी वाले होते वे भगवान नहीं होते, और भगवान की मर्जी नहीं कभी होती। ऐसे उल्टे बैठ गए और कहू न खाओ दिन तो भगवान सुने कोई हमारी। तुम उल्टा श्रद्धान कर रहे हो, उल्टा ज्ञान कर रहे हो, उल्टा आचरण कर रहे हो और भगवान के भरोसे बैठे हो। जिस दिन तुम जिनवाणी सुनोगे, भगवान की सुनोगे, उस दिन तुम्हारा कार्य होगा तुम्हारी परिणाम से। तुम्हें भगवान की सुनना है, भगवान को तुम्हारी नहीं सुनना है। तुम्हें भगवान बनना है कि भगवान को तुम जैसा बनना है, ये बता। हमें भगवान बनना है, तुम भगवान की सुनो। अब भगवान की तुम सुनोगे नहीं, और भगवान हमारी सुनते ही नहीं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। एक आदमी था, अधिकारी था, बोले हमने मंदिर जाओ करो, कम से कम यहाँ रहती हो, मंदिर तो आया करो। बोले कहा जाए मंदिर, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। हमने कहा बात है, हम सुने नहीं, तुम बोलो। हमारी पत्नी का ट्रांसफर कर देंगे, मारे गए तो। दोनों नौकरी करने वाले थे, एक की नौकरी वहां थी, एक की नौकरी यहाँ थी, बस नौकरी करा दी। बस जाग के लिए भगवान आएंगे, इतने से काम के लिए भगवान। भगवान का कि एक मर्यादा तो रखो भाई, इतने से काम के लिए भगवान आएंगे कि वो उसका ट्रांसफर करा देंगे यहाँ। विचार करो, नहीं भगवान पे मत छोड़। भगवान ने कहा होनार को सहज भाव से स्वीकार करो। नंबर एक, दोनों को नौकरी नहीं करना चाहिए, घर को संभाले वो, रोटी को बनाए वो, दोनों को नौकरी नहीं करना चाहिए। नौकरी दोनों को करना है तो फिर ये आशा छोड़ देना चाहिए कि काम करेंगे। आज तलाकों की व्यवस्था इसीलिए ज्यादा हो गई, हम कमा लेंगे, हमका काम है। अरे ये तुम्हारा काम नहीं है भैया, गृह स्वामिनी हो तुम, घर की मालकिन बनो। नौकरी छोड़ना माने काहे के लिए चल गई थी, मालिक बनने के लिए नौकरी छोड़ो। और मालिक वह होता है जो जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय हो गए, अतिंद्रिय आनंद में तृप्त हो गए तब, और जब जितेंद्रिय हो गए तो इंद्रियों की गुलामी से छूटोगे, और इंद्रियों की गुलामी से छूटोगे तो सब गुलामी से छूट जाओगे। पर लक्ष्य तजो ओम नमः विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। Gracias.
तरफ का Gracias.